उजाला के इस खेल प्रतियोगिता में हम इस वक्त उस मंच पर खड़े हैं जहाँ आप पीछे देख सकते हैं, भूले बिसरे खेल सिगड़ी प्रतियोगिता। ये वो गेम है जिसमें उछलना है, कूदना है, गिरना है, लेकिन जीतना है। बच्चे ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। आपका नाम क्या है? अंतिमा शर्मा। आप जीते हैं कि हारे हैं पहले? जीत गए। तो कैसे जीते हैं? खेल मतलब कि मैम ने बोला जब से खेलने शुरू किए थे वहीं से सीखे। मतलब खेले थे पर बहुत कम। और क्या क्या गेम आप खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, सिकड़ी खेलते थे, बस बस आने खेलते थे। तो कैसा लगा यहाँ पे खेलने? बहुत अच्छा लगा सर। आप विजेता भी बन गए, सबको हरा दिया। यस सर। तो रोज खेलेंगे? जी सर। और यहाँ जो गेम और भी हो रहे हैं उसमें आप खेलेंगे? जी सर। आइए ट्राई कीजिए, उसमें देखिए और भी सारे गेम हैं। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सपना है। आपने खेला? जी सर मैंने खेला है, बहुत अच्छा लगा है। जी सर। और मैं बहुत सारे गेम खेलती हूँ और मुझे मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं और भी गेमों में हिस्सा ले सकूँ। इसमें लेना चाहते हैं? सर मैं कबड्डी में भी लेना चाहती हूँ, रस्सी कूद में भी, और मैं सर रस्सा कसी में भी लेना चाहती हूँ। बचपन में सारे गेम खेले? जी सर बहुत खेले हैं। यहाँ खेलने का मौका मिल गया? सर बहुत अच्छा लगा है यहाँ खेलने का मौका मिला है तो। और बेटा प्रियंका चौहान, क्या बोलते हैं, अच्छा लगा बहुत। क्या बोलते हैं, सिकड़ी और क्या बोलते हैं खोखो और क्या बोलते हैं रस्सी कूद और रस्सा कस्सी। देखिए बच्चे अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैं खेल के अच्छा लगा। ये बच्ची बच्ची मैं इनसे पूछ रहा हूँ, यस सर, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा खेलने में। यस सर। और सर खुशी भी हुई कि कम से कम हम लोगों ने मेहनत करी, खेली तो ये जीती, तो हम लोगों को भी बहुत खुशी की ये जीत। कितनी मेहनत करनी पड़ी? मतलब सर कि खेलते थे, थक भी जाते थे, पर सर मज़ा आता था खेलने में, बहुत एक्साइटमेंट थी बहुत खेलने की। हम लोग टग ऑफ वॉर में जो है जीते हैं और हम लोग को यहाँ काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम लोग ऐसे गेम्स खेल सकें, क्योंकि अभी ये उमूमन खेले नहीं जाते और घरों में अब ऐसे गेम्स रहे नहीं है, सब मोबाइल्स में लगे रहते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से हम लोग मतलब फुर्तीले रहें। और जो है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसमें, कॉम्पिटिशन काफ़ी टफ भी था। और इसमें जो मेन चीज़ चाहिए होती है वो होता है कि कोऑर्डिनेशन पूरी टीम का, अगर पूरी टीम का कोऑर्डिनेशन होगा तो आप एक ही बार में मतलब अच्छा जीत जाएंगे और सीख सकते हैं। काफ़ी अच्छा आयोजन है, हम लोग को सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी कूपन मिले थे और लंच के लिए भी मिले, तो हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी किया।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।